हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल लव। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो नीट एंड एआईपीएमटी में आ चुके हैं वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज का जितना भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एंड ये सब जितने भी क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को जब आप अप्रोच करेंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि कौन से क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, वो आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा न्यूमेरिकल के लिए। जो फिजिकल केमिस्ट्री होगा उसमें मैक्सिमम आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना होगा, थ्योरी आपका ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जितने भी आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करवाऊँगी वो सारे नीट एआईपीएमटी के हैं, जो और एक दो क्वेश्चन हैं ऐसे जो दो तीन बार नीट का एग्जाम में आ चुके हैं। एंड सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, जेई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो जेई का है वो नीट में रिपीट किया जाता है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगा, स्लॉट वाइज प्रिपेयर कीजिएगा, ताकि आपका जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस होगा वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एंड नीट प्रिपरेशन आपका और भी ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फॉलोइंग सॉल्यूशन वेयर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH प्लस एंड HCl ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशन। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपका नीट का एग्जाम में 2018 में आ चुका है, नीट का एग्जाम 2018 में। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया हुआ है आपका 60 ml ऑफ M/10 HCl प्लस 40 ml ऑफ M/10 NaOH, यह आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो pH ऑफ ईच वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1। ये सब ऑप्शन में से आपका जो मिक्सचर निकलेगा pH, वो इस pH से इक्वल होगा कौन सा ऑप्शन से, बस हम लोग को ये बताना है। जो मिक्सचर ऑफ जो हम लोग का एसिड एंड बेस का जो मिक्सचर होगा उसका जो pH निकलेगा वो हम लोग का इस pH के इक्वल होगा या नहीं, हम लोग का कौन सा ऑप्शन है वो हम लोग को देखना है, जो जिसका pH 1 होगा। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था एसिड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस एंड मिक्सचर ऑफ एसिड बेस का वीडियो में मैंने बताया था, कैसे मिक्सचर ऑफ एसिड बेस का सॉल्यूशन निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देख ले, ताकि जो आज मैं जो क्वेश्चन ये करा रही हूँ वो आपका और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसे हम लोग मिक्सचर ऑफ एसिड बेस का क्वेश्चन निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम लोग को देखना है एसिड एंड बेस। तो फ्रेंड्स, HCl आपका एसिड है, NaOH आपका बेस है। तो फ्रेंड्स, एसिड एंड बेस का जो मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर मतलब जिसका मिली इक्विवेलेंट वेट N1B1 N2B2 जिसका सबसे ज़्यादा होगा वही हम लोग का मिक्सचर बनेगा। तो फ्रेंड्स, या हम लोग देखते हैं इस ऑप्शन में हम लोग देखते हैं थर्ड, 75 ml M/5 HCl प्लस 25 ml M/5 NaOH, इसको हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, N1B1 HCl का हम लोग देखते हैं 75 × 1/5, ठीक है फ्रेंड्स, एंड N2B2 25 × 1/5 N1B1, तो 5, ये आपका 25 आ गया एंड ये आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 15। तो फ्रेंड्स, आपका 15 आ गया एसिड का एंड बेस का आपका आ गया है 5। तो फ्रेंड्स, एसिड एंड बेस में से मिली इक्विवेलेंट सबसे ज़्यादा आपका एसिड होगा, तो जो मिक्सचर होगा वो आपका एसिडिक होगा, तो फ्रेंड्स, हम लोग को एच प्लस निकालना है, हम लोग को पीएच के लिए सबसे पहले हम लोग को एच प्लस निकालना है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा मिली इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। फ्रेंड्स, मिली इक्विवेलेंट वेट आपका होता है वेट बाय वॉल्यूम होता है, मिली इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम होता है। तो फ्रेंड्स, 15 माइनस आपका 5 बाय टोटल वॉल्यूम आपका 100 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 10 बाय 100 हो जाएगा, तो आपका टोटल आ जाएगा
टेन द पावर माइनस वन। फ्रेंड्स ये आपका एच प्लस आ गया, ये आपका एच प्लस निकल गया टेन द पावर माइनस वन। अगर आपका एच प्लस निकल गया तो अब हम लोग पी एच निकाल सकते हैं। तो पी एच इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन एच प्लस। तो फ्रेंड्स इक्वल टू माइनस लॉग टेन द पावर माइनस वन। तो फ्रेंड्स माइनस माइनस आपका प्लस आ जाएगा, तो पी एच इक्वल टू आपका आ जाएगा वन। तो फ्रेंड्स देखिए पी एच इक्वल टू वन आ गया, और हम लोग को ये पूछा था पी एच ऑफ विच वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू वन। इस ऑप्शन में से किसका पी एच इस पी एच के इक्वल है, तो हम लोग का जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। आंसर जो होगा वो हम लोग का थर्ड होगा, क्योंकि इस ऑप्शन से हम लोग का पी एच इक्वल टू हम लोग का पी एच हम लोग का वन आ रहा है इस पी एच के इक्वल, तो हम लोग का आंसर सेवन थर्ड आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए कितना इजी है, 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो देखना होगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस एंड मिक्सचर ऑफ एसिड बेस का जो मैंने वीडियो बताया था वो आपको देखना होगा। अगर आप वो देख लेते हैं समझ लेते हैं तो आप इस टाइप का क्वेश्चन आप इजीली से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग को मिक्सचर ऑफ एसिड निकालना है, एंड देन मिली इक्विवेलेंट वेट निकालना है। मिली इक्विवेलेंट वेट आपका होता है वेट बाय वॉल्यूम। तो हम लोग का जो मिली इक्विवेलेंट जो निकला था 15 माइनस 5 बाय 100, तो हम लोग का टोटल एच प्लस आ गया 10 द पावर माइनस 1। और पी एच हम लोग निकालते हैं माइनस लॉग कंसंट्रेशन एच प्लस, तो हम लोग का जो पी एच है वो हम लोग का 1 आ गया। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का आंसर आ चुका है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का, द सॉलिबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इज 2.42 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर एट 298 के। द वैल्यू ऑफ इट्स सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP विल बी गिवेन। मोलर मास ऑफ BaSO4 आपका 233 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपका नीट 2018 में आ चुका है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है KSP कैसे निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स वो वीडियो आप देख लीजिए, ताकि जो क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ ये और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में आपका दिया 1.08 × 10⁻¹² मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन हम लोग को है दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग निकालते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। सॉलिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब KSP निकालना है, KSP निकालना है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग को BaSO4, फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग को BaSO4 को डिसोसिएट करना है। तो BaSO4 से हम लोग का Ba2+ SO4 2- बनता है। तो फ्रेंड्स S। तो फ्रेंड्स KSP के टाइम हमेशा हम लोग प्रोडक्ट का लिखते हैं, हम लोग हमेशा प्रोडक्ट का लिखते हैं, रिएक्टेंट का नहीं। तो KSP के टाइम हम लोग हमेशा प्रोडक्ट का लिखते हैं। तो फ्रेंड्स KSP यहाँ से आपका आ जाएगा S² KSP यहाँ से आपका S² आ गया। तो फ्रेंड्स और सॉलिबिलिटी आपका दिया हुआ है, फ्रेंड्स सॉलिबिलिटी आपका दिया हुआ है 2.42 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर। तो फ्रेंड्स एंड KSP आपका S² दिया हुआ है। एंड फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको मोलर मास भी दिया हुआ है, मतलब अगर आपका मोलर मास नहीं दिया हुआ रहता तो डायरेक्ट आप KSP में आप डायरेक्ट आप सॉलिबिलिटी पुट करके आप आंसर निकाल सकते थे। बट यहाँ फ्रेंड्स हम लोग को मोलर मास भी दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स मोलर मास आपका ग्राम पर मोल होता है, और यहाँ पर आपका है ग्राम पर लीटर है। तो ग्राम पर लीटर को हम लोग को मोल पर ग्राम पर मोल में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स कन्वर्ट करते हैं हम लोग, S² हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है गिवन मास बाय मोलर मास। W आपका गिवन मास हो गया एंड M आपका हो जाता है मोलर मास। तो फ्रेंड्स हम लोग को जो यूनिट है उसको चेंज करना है, क्योंकि हम लोग का जो दिया हुआ है हम लोग का ग्राम पर मोल में दिया हुआ है, जो हम लोग का जो आंसर है वो मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हम लोग को उसको कम पहले हम लोग को यूनिट चेंज करना है। तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है गिवन मास बाय मोलर मास आपका आ गया है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसको पुट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पुट करते हैं, गिवन मास आपका दिया हुआ है 2.42 × 10⁻³ बाय आपका मोलर मास दिया हुआ है 233। तो आपका टोटल आ जाएगा 242 बाय 233
इंटू 10^10 यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा तो आपका नीचे आ जाएगा, तो 233 इंटू 10^10 आपका आ जाएगा 10^2। तो फ्रेंड्स 10^2 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं इसको, 242 इंटू 10^-3, हम लोग पावर को जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा, तो टोटल आपका माइनस 5 बाय 233। तो फ्रेंड्स जब हम लोग को अब 242 बाय 233 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो टोटल आपका आ जाएगा 1.03 इंटू 10^-5। फ्रेंड्स ये आपका आ गया 1.03 इंटू 10^-5, ये आपका सॉल्युबिलिटी आ गया। अब हम लोग केएसपी निकालते हैं। तो फ्रेंड्स केएसपी इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है, केएसपी आपका दिया हुआ है एस स्क्वायर, आपका सॉल्युबिलिटी निकल चुका है, तो 1.03 इंटू 10^-5 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग निकालते हैं 1. जो आपका टोटल केएसपी आ जाएगा 1.08 इंटू 10^-10, ये आपका केएसपी आ गया, ये आपका आंसर आ गया है केएसपी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में अगर आपका मोलर मास नहीं दिया हुआ रहता तो आप डायरेक्ट केएसपी निकाल सकते थे, लेकिन आपका मोलर मास दिया हुआ है तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग को केएसपी निकालने के बाद हम लोग को यूनिट चेंज करना था, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी आपका दिया हुआ है वो आपका ग्राम पर लीटर है, एंड जो मोलर मास है आपका दिया हुआ वो आपका ग्राम पर मोल है। तो फ्रेंड्स हम लोग को यूनिट चेंज करना होता है। तो फ्रेंड्स सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम होता है, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाय मोलर मास, तो गिवन मास बाय मोलर मास हो गया। तो फ्रेंड्स हम लोग बैठाते हैं, आपका गिवन मास है आपका 2.42 × 10^-3 एंड मोलर मास आपका दिया हुआ था 233, तो हम लोग निकाले 2.42 × 10^-3, तो पॉइंट को हटा दिए तो आपका नीचे आ जाएगा 10^2। तो फ्रेंड्स उसके बाद 242 बाय 233 को हम लोग डिवाइड कर लिए, तो 1.03 इंटू 10^-5 आ गया। केएसपी इज इक्वल टू हम लोग का एस स्क्वायर आ गया था, तो हम लोग स्क्वायर पुट कर देते थे, क्योंकि आपका सॉल्युबिलिटी निकल गया है तो आप स्क्वायर पुट कर लीजिए, तो केएसपी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1.08 इंटू 10^-10, ये आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी था। आप प्रीवियस वीडियो जो मेरा केएसपी है कैसे निकालते हैं वो आप वीडियो देख लीजिए, ताकि आपका और भी ईजी हो जाएगा। फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग, हम लोग का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है N2+3H2 इज इरिवर्सिबल 2NH3K1 दिया हुआ है, N2+O2 इज इरिवर्सिबल रिएक्शन 2NO K2, H2+ ½O2 इज इरिवर्सिबल रिएक्शन H2O K3, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K ऑफ द रिएक्शन 2NH3+5.2O2 इज इरिवर्सिबल रिएक्शन 2NO+3H2O विल बी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका नीट का एग्जाम में 3 बार रिपीट हो चुका है, 2017 में, 2007 में, 2003 में आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते रहना है, एंड ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको निकालना है, तो फ्रेंड्स ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिया हुआ रहेगा तो आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले देखिए K1, K2, K3 का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उससे जो फाइनल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K जो बना है वो आपका ये तीनों से मिलकर बना हुआ है। तो आपको ये पता करना है कि किसको किसको ऐड करने से जो फाइनल जो रिएक्शन आपका आया है वो बना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट में देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ आपका प्रोडक्ट में 3H2 दिया हुआ है, एंड यहाँ हम लोग देखते हैं इस ये सब रिएक्शन में H2 आपका दिया है, इसका मतलब इसको हम लोग क्यूब में करते हैं, K3 क्यूब में आ जाएगा तब आपका 3H2 आ जाएगा, मतलब K3 क्यूब, मतलब ये आपका कट गया ऑप्शन में एंड ये भी आपका गया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स 3H2O है, 3H2O है, तो K3 का क्यूब करेंगे तभी हम लोग का 3H2 आएगा। अब हम लोग देखते हैं NO, तो फ्रेंड्स 2NO K2 को हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में आपका 2NO है तो K2 हम लोग ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स
ऑप्शन में देखिए के टू इंटू के थ्री का क्यूब, क्योंकि थ्री एस टू यहाँ पे एस टू दिया हुआ, तो के थ्री का क्यूब करेंगे तभी हम लोग का थ्री एस टू आएगा। एंड के टू का जो के टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपका टू एन ओ है। तो फ्रेंड्स प्रोडक्ट में जो होगा, पहले हम लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, के इक्वल टू किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं, तो एस टू आपका H2O आपका हम लोग का 3H2 प्रोडक्ट में दिया हुआ फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड ये सब रिएक्शन में देखिए H2 दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स हम लोग का K3 क्यूब हो जाएगा। एंड सेकंड हम लोग देखते हैं अब 2N दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स K2 का 2N, तो K2 इंटू K3 क्यूब, यहाँ पे दिया हुआ है K1 इंटू K3 क्यूब। तो फ्रेंड्स ये भी आपका ऑप्शन कट गया, तो हम लोग का जो फाइनल आंसर होगा वो हम लोग का K2 K3 क्यूब बाय K1 होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट का देखिए जो 2NH3 है वो हम लोग का प्रोडक्ट साइड है, और 2NH3 जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हम लोग का रिएक्टेंट साइड है। ये आपका प्रोडक्ट साइड में दिया हुआ है एंड ये आपका रिएक्टेंट साइड में दिया हुआ है, तो इसका मतलब बाय K1 हो जाएगा, इसका मतलब ये आपका बाय K1 हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर होगा वो आपका K2 K3 क्यूब बाय K1 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा K1 K2 K3, तो जो आपका फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसमें आपको देखना है, जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन है उसमें आपको प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट को देखना है कि कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐड करके जो आपका फाइनल आया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसको देखना है, देन आपको आंसर निकालना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आंसर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है इस टाइप का क्वेश्चन में कि सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, जो नहीं मैच कर रहा उसको सबसे पहले आपको कट करना है। तो मैंने देखिए 2 कट कर दिया, क्योंकि जो 3H2O जो प्रोडक्ट है वो आपका प्रोडक्ट यहाँ देखिए K3 क्यूब में है, क्योंकि तभी आपका 3H2O आ जाए। तो फ्रेंड्स K3 क्यूब आपका 1 and 2 में है, सॉरी 1 and 4 में है, तो 2 and 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हम लोग का 2NO, 2NO आपका K2 में दिया हुआ है, K2 रिएक्शन में दिया हुआ है, तो 2NO। तो फ्रेंड्स K2 K3 क्यूब है एंड यहाँ पर K1 है, तो फ्रेंड्स ये आपका ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो K2 K3 क्यूब होगा बाय K1 इसलिए हम लोग किया क्योंकि जो 2NH3 जो दिया हुआ है फ्रेंड्स इस रिएक्शन में वो आपका प्रोडक्ट साइड है, एंड 2NH3 आपका जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आपका रिएक्टेंट साइड है, इसलिए हम लोग बाय K1 किए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो बस आपको यही सब प्रोसेस करना है। एंड फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2017 2007 एंड 2003 में आ चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मे बी नीट में ये जो इस बार NTA कंडक्ट करेगा वो मे बी दे सके। तो फ्रेंड्स आपको ये सब प्रैक्टिस करते रहना होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग का वो हम लोग देखते हैं, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2+O2 इज इरिवर्सिबल रिएक्शन 2NO इज K, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर 1/2 N2+1/2O2 इज इरिवर्सिबल रिएक्शन NO। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एंड जो ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है वो 1/2 इंटू K दिया हुआ है, K² K × 1/2। तो फ्रेंड्स ये आपका 2015 में आया हुआ नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले दिया हुआ आपका N2+O2 इज इरिवर्सिबल रिएक्शन 2NO, एंड जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आपका है 1/2 N2+1/2O2 इज इरिवर्सिबल NO है। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, देखिए N2+O2 इज इरिवर्सिबल आपका 2NO दिया हुआ, ये आपका इनिशियल वाला है, स्टार्टिंग जो इनिशियल मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ये रिएक्शन है आपका, इस रिएक्शन को हम लोग इसमें कन्वर्ट करना है, इस रिएक्शन को हम लोग जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन है वो 1/2 N2+1/2O2 वो इरिवर्सिबल रिएक्शन NO ये हम लोग को लाना है। तो फ्रेंड्स N2+O2 इज रिवर्सिबल रिएक्शन 2NO है, तो कुछ नहीं करना है हम लोग को, 2 से इसको डिवाइड करना है, 2 से हम लोग को डिवाइड करना है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2 N2+1/2O2 इस इरिवर्सिबल आपका जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 2/2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका
एन ओ आ गया। तो फ्रेंड्स देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी था। सबसे पहले आपको रिएक्शन को देखना होगा, एनालाइज करना होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए इस रिएक्शन में आपका ये दिया हुआ था N2 प्लस O2 इस रिवर्सिबल रिएक्शन 2NO दिया हुआ था, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन K है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग का जो बना है वो हम लोग का 1/2 N2 + 1/2 O2 इस रिवर्सिबल रिएक्शन NO। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं था, बस हम लोग को 2 से डिवाइड करना था। 2 से डिवाइड करने के बाद आपका 1/2 N2 + 1/2 O2 इस रिवर्सिबल रिएक्शन NO आ गया। तो फ्रेंड्स 1/2 को हम लोग 1/2 मतलब फ्रेंड्स जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के को हम लोग 1/2 मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का ये जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये आया है। तो फ्रेंड्स 1/2 × K, तो फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन में जो है वो आपका 4 सही हो जाएगा। K × 1/2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है इसको हम लोग 1/2 से डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग 1/2 मतलब 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं तब आपका 1/2 N2 + 1/2 O2 इज इरिवर्सिबल रिएक्शन NO। तो फ्रेंड्स ये आपका आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को हम लोग 1/2 से डिवाइड करेंगे तब आपका ये फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। तो प्लीज़ इस टाइप का क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है, मैं आपको बता रही हूँ। एंड आपको इस टाइप का क्वेश्चन खोजना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं करना, आपको रिएक्शन देखना है, सोचना है क्या चेंजेस हुआ है, बस वो आपको देखना है। एंड सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में आपको देखना है कि क्या इस ऑप्शन में आपको देखना है, ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा कि जो हम लोग का जो क्वेश्चन है उसमें क्या चेंजेस है। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बस एनालाइज करना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कंसनट्रेशन ऑफ द Ag+ आयन्स इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2Cr2O4 इज 2.2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2C2O4 इज। तो फ्रेंड्स हम लोग को सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP निकालना है हम लोग को KSP निकालना है इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स हम लोग को KSP निकालना है, सॉलिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट KSP निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, Ag2C2O4 को हम लोग डिसोसिएट करते हैं। तब सबसे पहले हम लोग Ag2Cr2O4 को डिसोसिएट करते हैं, तो आपका 2Ag + Cr2O4 2- आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जब भी KSP लिखते हैं तो हम लोग प्रोडक्ट का ओनली लिखते हैं, तो ये आपका 2S आ जाएगा एंड ये आपका S आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हम लोग को KSP निकलेगा, KSP इक्वल टू आपका जाएगा 2S² × S, तो आपका KSP आ जाएगा 4S³, आपका KSP आ जाएगा 4S³। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग को पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ द Ag+ आयन्स इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम लोग को कंसंट्रेशन सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग को कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन्स का निकालना है। तो फ्रेंड्स Ag+ का है कंसंट्रेशन, Ag+ आयन्स इक्वल टू आप कंसंट्रेशन Ag+ का आयन्स आपका 2S दिया हुआ है, कंसंट्रेशन Ag+ आपका 2S दिया हुआ है, तो 2S, तो फ्रेंड्स 2S इक्वल टू आपका हो जाएगा 2. क्योंकि सॉलिबिलिटी गिवन है फ्रेंड्स, आपका सॉलिबिलिटी आपका दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में 2.2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। तो फ्रेंड्स 2.2 × 10⁻⁴ आपका दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स सॉलिबिलिटी आपका दिया हुआ 2.2 × 10⁻⁴। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सॉलिबिलिटी निकालते हैं, 2 को जब हम लोग इधर लाते हैं आपका डिवाइड में चल जाएगा फ्रेंड्स, तो 2 × 1.1 आपका आ जाएगा, तो सॉलिबिलिटी आपका आ जाएगा टोटल 1.1 × 10⁻⁴। तो फ्रेंड्स ये आपका सॉलिबिलिटी आ गया। फ्रेंड्स अगर आपका सॉलिबिलिटी आ गया तो आप KSP निकाल सकते हैं, तो KSP इज़ इक्वल टू 4S³। तो फ्रेंड्स 4 × सॉलिबिलिटी आपका दिया है 1.1 × 10⁻⁴ होल क्यूब, 10⁻⁴ होल क्यूब। तो फ्रेंड्स अब हम निकालते हैं 4 × फ्रेंड्स इस पॉइंट को हम लोग इधर ले जाएंगे तो 11 × 10⁻⁵ आ जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा। तो फ्रेंड्स
फोर इंटू 11 का क्यूब करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 4 इंटू 1 3 3 1 इंटू 10 द पावर माइनस 5 का क्यूब आपका माइनस 15 हो जाएगा। तो टोटल आपका केएसपी आ जाएगा 5.324 इंटू 10 द पावर आपका माइनस 15 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स केएसपी इज्क्वल टू आपका आ जाएगा फ्रेंड्स इस पॉइंट का भी हम लिखते हैं केएसपी इज्क्वल टू आपका आ जाएगा 5324 इंटू 10 द पावर माइनस 15। तो फ्रेंड्स यहाँ पॉइंट बैठाएंगे तो 5.324 इंटू 10 द पावर माइनस 15 प्लस, क्योंकि पॉइंट बैठा दिए तो इसका जीरो हम लोग इधर लेते तो 3 आ जाएगा, तो आपका टोटल आ जाएगा -12। तो फाइनल केएसपी आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 5.3 इंटू 10 द पावर माइनस 12। तो फ्रेंड्स जो केएसपी आपका आएगा वो 5.3 इंटू 10 द पावर माइनस 12। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपका थर्ड सही है, 5.3 इंटू 10 द पावर माइनस 12। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, हम लोग को बस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना था। सबसे पहले हम लोग को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना था, तो जो हम लोग का जो रिएक्शन हम लोग पहले डिसोसिएट करेंगे Az2Cr2O4 को, इसको हम लोग को डिसोसिएट करना था Az2Cr2O4 को डिसोसिएट कर दिए। तो फ्रेंड्स ओनली केएसपी में हम लोग ओनली प्रोडक्ट का लिखते हैं, तो यहाँ पर 2s आ जाएगा एंड इसको आपका s। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में हम लोग का कंसंट्रेशन Ag+ निकालना था, तो कंसंट्रेशन Ag+ आपका 2s आ जाएगा और आपका केएसपी निकला था 4s³। तो फ्रेंड्स सॉल्युबिलिटी आपका गिवन हुआ था 2.2 इंटू 10 द पावर माइनस 4। तो फाइनल जो सॉल्युबिलिटी आपका निकलेगा 1.1 इंटू 10 द पावर माइनस 4 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपका सॉल्युबिलिटी निकल गया सॉल्युबिलिटी अगर आपका निकल गया तो आप केएसपी निकाल सकते हैं। केएसपी आपका निकल चुका था 4s³, तो सॉल्युबिलिटी आपका 1.1 इंटू 10 द पावर माइनस 4 है, तो इक्वल टू आपका 4 इंटू 1.1 इंटू 10 द पावर माइनस 4 का होल क्यूब। इस पॉइंट को हम लोग जब हटाएंगे तो यहाँ पर 10 द पावर माइनस 5 आ जाएगा आपका, तो टोटल आपका आ जाएगा 4 इंटू वो 11 इंटू 10 द पावर माइनस 5 का होल क्यूब। तो फ्रेंड्स 11 का क्यूब करेंगे तो आपका 1331 आ जाएगा एंड फ्रेंड्स 5 का हम लोग क्यूब करेंगे, मतलब 5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 द पावर माइनस 15 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जो फाइनल केएसपी आपका आ जाएगा वो आपका 5.3 इंटू 10 द पावर माइनस 12 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, काफ़ी इजी था, ये आपका नीट 2017 में आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का ली चैटरलियस प्रिंसिपल से रिलेटेड है, जो टेम्परेचर जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है बट मैं आपको बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका 2018 में आ चुका है। फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। फ्रेंड्स ये जो आपका रिएक्शन दिया हुआ है A2+B2 इज इरिवर्सिबल X2। फ्रेंड्स इसमें से कौन सा कंडीशन ये रिएक्शन को फेवर करता है, इसमें से कौन इस रिएक्शन में ये सब ऑप्शन में से ये सब कंडीशन में से कौन सा कंडीशन इस रिएक्शन में अप्लाई हो रहा है वो हम लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग को देखना है जो हम लोग को जो रिएक्शन दिया हुआ है पर ∆RH=-XK, ये आपका हम ये जो रिएक्शन है ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स ये जो रिएक्शन है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको पता होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर आपका डिक्रीज़ करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर आपका डिक्रीज़ करता है। तो फ्रेंड्स गिवन रिएक्शन आपका दिया हुआ है A2+B2 इज इरिवर्सिबल X2। रिएक्टेंट आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स 2 मोल एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है आपका 1 मोल। तो फ्रेंड्स याद रखिए रिएक्टेंट आपका 2 मोल दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट आपका 1 मोल दिया है। तो फ्रेंड्स रिएक्टेंट का मोल पी से ज़्यादा है, मतलब फ्रेंड्स जिधर मोल कम होगा
जिधर मोल कम होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल कम होगा उधर प्रेशर आपका ज्यादा होगा। मतलब फ्रेंड्स इस रिएक्शन में हम लोग को देखना है, जिधर मोल कम है फ्रेंड्स, जिधर मोल कम है उधर का प्रेशर आपका कम रहता है। जिधर मोल कम रहेगा प्रोडक्ट साइड आपका मोल कम है, तो प्रोडक्ट साइड आपका बैकवर्ड, मतलब बैकवर्ड ही हुआ प्रोडक्ट साइड, तो उधर आपका प्रेशर कम होगा एंड रिएक्टेंट साइड प्रेशर आपका ज़्यादा होगा। लेकिन इस रिएक्शन में देखिए आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर आपका लो होता है एंड प्रेशर आपका हाई होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में याद रखिए फ्रेंड्स, ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर आपका लो होगा एंड जो प्रेशर होगा वो आपका हाई होगा। बस इतना याद रखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर आपका लो होगा एंड प्रेशर आपका हाई होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एंड जो प्रोडक्ट साइड होगा, जिधर मोल कम रहेगा, जिधर मोल आपका कम होगा उधर आपका प्रेशर लो होगा। बस इतना याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस रिएक्शन में देखिए, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फ्रेंड्स टेम्परेचर आपका लो होगा इस रिएक्शन में एंड प्रेशर आपका हाई होगा क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इस रिएक्शन में आपका टेम्परेचर लो होगा, आपका टेम्परेचर लो होगा एंड प्रेशर आपका हाई होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपका 1 सही होगा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगी, लीज चैटल्स प्रिंसिपल, जिससे आपका और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन जो भी है वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सब वीडियो समझ में आ गया होगा। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में उतना ज़्यादा आपका और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स एंड क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका भी आपको आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सब जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा सेल्फ के थ्रू ताकि आपका क्लियर हो जाए। एंड मेरे जो प्रीवियस ईयर वीडियो है वो आप ज़रूर देखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे केएसपी हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, मिक्सचर एसिड ऑफ बेस, केएसपी कैसे निकालते हैं, वो सब क्वेश्चन, वो सब प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा जिससे आपका और भी ज़्यादा क्लियर हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सब वीडियो पसंद में आ गया होगा आज का वीडियो क्वेश्चन एनालिसिस का। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं विद थ्योरी लीच एटलिस प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।